अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं पीडियाट्रिक्स। ये याद रखना कि गायनी भी साथ साथ चलेगी और इंशाल्लाह कल मैं गायनी के लेक्चर्स अपलोड करूंगी तो परेशान नहीं होना, लेकिन थोड़ा बहुत साथ पीड्स भी करेंगे ताकि हम दोनों ही सब्जेक्ट्स इंशाल्लाह खत्म कर लें। ठीक है, तो पीडियाट्रिक्स में हम वही चीजें करेंगे जो बहुत ज्यादा आती हैं और जो बहुत ज्यादा मेडिसिन जैसी होंगी उनको हम स्किप भी कर देंगे बिकॉज डेफिनेटली वी डोंट हैव सो मच टाइम। तो पीडियाट्रिक्स को जिस तरह से आपको पता है कि बच्चों के बारे में हम जिसमें पढ़ते हैं और सबसे पहली बात जो आपसे अक्सर भाई में पूछा जाता है कि हाँ जी पीडियाट्रिक्स में किस उम्र तक के बच्चे आते हैं, तो याद रखना कि जो कट ऑफ वैल्यू एक टेक्स्ट में लिखी है वो 12 साल की उम्र तक है। 12 साल से छोटे बच्चों को आप पीड्स में चेक कराते हैं, उससे बड़े बच्चे जो है वो आप ले जाते हैं इनटू एडल्ट ओपीडी। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि 13-14 साल के बच्चे भी पीडियाट्रिक्स में चेक हो जाते हैं, मतलब वो ले लिए जाते हैं, लेकिन आपने जो वाईवाई कट ऑफ वैल्यू बतानी है 12 साल ही है। ठीक है, अच्छा स्टार्ट हम करेंगे थोड़ा सा हिस्ट्री टेकिंग की एक जनरल से रिव्यू से कि हमने सवाल किस तरह से पूछते होते हैं। अच्छा हिस्ट्री टेकिंग में वो वाली बात नहीं, पहली बात तो ये कि बहुत ज्यादा सिमिलर टू वही है जो आप नॉर्मली लेते हैं, सिर्फ पीड्स में आपने 4 ऐसी हेडिंग्स हैं जो एक्स्ट्रा बीच में ऐड हो जाती है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में लिखी हुई 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये भी मतलब इसी का साथ है। तो ये 4 हेडिंग्स आपकी मेन है जो कि पीड्स में एक्स्ट्रा होती है और लिखी हुई भी आपको ये हर जगह मिल जाएंगी, मतलब आप इवन परवेज अकबर के पहला चैप्टर में भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनको इस तरह से याद रखना कि आपने बर्थ हिस्ट्री में ये पूछना है, कभी भी आपको याद नहीं रहेगा जब तक आप इस तरह से याद नहीं रखेंगे कि आपने वो सवाल किया कैसे। तो अभी मैं आपको बिल्कुल भी ये वाली चीज नहीं बता रही कि आपने बर्थ हिस्ट्री में आ जाना है और पूछना है कि आपने यू हैव टू आस्क अबाउट दिस 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 दिस, आप पूछेंगे कैसे और जब आप पूछ लेंगे तो आप उसे एक्सप्रेस कैसे करेंगे। याद रखना जो लोग बार बार हिस्ट्री लेते रहते हैं या केसेस प्रेजेंट करते हैं उनको तो खुद ब खुद ही आ जाता है आहिस्ता आहिस्ता करके कि आपने सपोज बर्थ हिस्ट्री में एक जनरल पैटर्न ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री क्या होता है, क्योंकि डेफिनेटली यू हैव टू प्रेजेंट इन प्रॉफ। तो आप अपने एग्जाम में जब प्रेजेंट करेंगे तो एक जनरल पैटर्न क्या है कि अगर सब कुछ नॉर्मल है फीमेल का तो आपने किस तरह से प्रेजेंट करना है। अगर कोई ऐसा बच्चा हो या फिर आप ऐसा आपने प्रेजेंट नहीं की हुई ड्यूरिंग योर कॉलेज में जब आपका यूनिवर्सिटी में टाइम था हिस्ट्री, तो आई रिकमेंड कि आप वो जनरल सी जो लाइंस है वो कम से कम याद कर लें ताकि जब आपको प्रेजेंट करनी पड़े तो आपने हाल ही उसमें अपने पेशेंट के हिसाब से फिल इन द ब्लैंक करनी हो, ताकि आपको तब ये ना सोचना पड़े कि मैंने तो सवाल पूछना सीखा था लेकिन मैंने लिखना कैसे है एक्सप्रेस कैसे करना है वो तो सीखा ही नहीं था। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको थोड़ा सा सवालों में बताऊंगी कि कौन कौन सी ऐसी चीजें, क्योंकि जब आप बुक पढ़ते हैं ना तो आपके पास बहुत सारी चीजें लिखी हुई आती है कि आपने ये भी पूछना है, ये भी पूछना है, ये भी पूछना है। डेफिनेटली वो आप पूछते हैं, लेकिन एक जब आप तेजी में हिस्ट्री ले रहे हैं, आपने एक टाइम में हिस्ट्री लेनी है और आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है और आपने फिर उसको एक्सप्रेस करना है, तो आप वो हर चीज एक्सप्रेशन में नहीं लेके आते, आप एक्सप्रेशन में सिर्फ उन चीजों को लेके आते जो मोटी मोटी होती हैं और अगर सब ठीक है तो आप उन्हीं के साथ चलते हैं, लेकिन अगर कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप उस चीज को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो मैं आपको इसमें तो आपको ये बताऊंगी कि आपने क्वेश्चन कौन से वो वाले जो ज्यादा जरूरी है जो लाजमी पूछने हैं, एंड देन एक और वीडियो फिर आई विल मेक जो कि अभी नहीं कुछ दिन बाद आएगी जिसमें मैं आपको एक पूरा जनरल एक्सप्रेशन बताऊंगी कि ये वाली चीज है कि अगर आपकी सारी हिस्ट्री नॉर्मल होगी तो आप इस तरह से लिखेंगे और फिर आप उसी को बेशक याद कर लेंगे या फिर आप अपने पास एक लिख लेंगे ताकि आपको आइडिया हो कि प्रेजेंट कैसे करने, क्योंकि हिस्ट्री लेना और प्रेजेंट करना दो अलग अलग तरह के आर्ट है। जो अच्छी ले लेता है जरूरी नहीं है वो अच्छी प्रेजेंट कर सके, तो अच्छी प्रेजेंट करनी आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा जी, तो स्टार्टिंग अप विद इट, इसके बाद इंशाल्लाह हम ना डायरेक्टली जो स्टार्ट करेंगे पीड्स और न्यूनेटोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन जो पीड्स की है वो सारी आपकी जिस तरह मेडिसिन की होती है बिल्कुल तकरीबन वैसी है, जरा जरा सा कोई माइनर सा डिफरेंस है तो अभी इतना कोई करने की उसको जरूरत नहीं है। जो हमने मेन स्टार्ट करना है वो न्यूनेटोलॉजी एंड देन सिस्टम्स पे जाएंगे। अच्छा, तो हिस्ट्री टेकिंग जो होती है आपको पता है स्टार्ट होती है वही डेमोग्राफिक्स से, मैं सारी बातों को रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि इनका कोई फायदा नहीं है, आपको पता है डेमोग्राफिक्स हम क्या क्या पूछते हैं। प्रेजेंटिंग कंप्लेन आपको हमेशा पता है कि पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेन हमने लिखनी होती है इस ऑर्डर में जिसको हम क्रोनोलॉजिकल कहते हैं, जिसमें सबसे पुरानी कंप्लेन को आप सबसे पहले लिखते हैं और फिर उसकी नई कंप्लेन की तरफ आते जाते हैं। और ये भी बात आप मेडिसिन में सर्जरी में आप पहले भी हजारों दफा देख चुके होंगे पढ़ चुके होंगे कि अगर एक पेशेंट 10 कंप्लेन बता रहे हैं या फिर 5-6 बता रहे हैं तो आपने उनमें से उससे पूछना होता है सवाल कि कौन सा इनमें से मसला ऐसा है जिसकी वजह से आपको अस्पताल आना पड़ा। अगर एक माँ ये कह रही है कि मेरे बच्चे को मोशन लगे हुए हैं, उसको साल से मोशन लगे हुए, अक्सर माए आप देखेंगे ऐसे कहती हैं कि इसने तो कभी नॉर्मल किया ही नहीं, इसका तो साल हो गए मोशन लगे हुए और 1-2 हफ्ते हो गए कि ये उल्टी भी कर रहे साथ और 5 दिन से ना मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा रो रहा है, मुझे लग रहा है इसके पेट में दर्द है और 2 दिन से इसे बुखार भी बड़ा तेज हो गया। अब आप ये सारी चीजें और साथ वो कहती है कि मेरा बच्चा जो है वो वैसे भी जरा ज्यादा रोता है, भूख नहीं से लगती और सही से खाता पीता नहीं है। अब देखिए उसने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में तो इतना कुछ बता दिया, सारी कभी भी नहीं लिखनी होती प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, कोशिश किया करें कि सॉलिड किस्म की 2-3 बनाएं जो आपको डायग्नोसिस की तरफ लेके जाए। ठीक है, अब इन्हें से आप देखें तो सबसे नई कंप्लेन जो उसे अस्पताल लेके आई वो बच्चे का तेज बुखार है या फिर उससे पहले होने वाला थोड़ा सा बच्चे का उसे लग रहा है जो कि पेट दर्द है क्योंकि वो रोज ज्यादा रहा है।
ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले तो सबसे पुरानी लिखनी होती है, तो आप उसके लिखेंगे लूज मोशन फ्रॉम वन ईयर। अभी वन ईयर वाली हिस्ट्री थोड़ी सी ढीली हो सकती है। अब इसको आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तब फिक्स करना है अगर ये आपकी जो पेशेंट की हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग अप्लेन जब आप सारी की सारी ले लेंगे, आपको पता चल जाएगा आपका डीडी क्या बन रहा है। अगर वो डीडी कहीं पर लूज मोशन को मेन रख रहा है बीच में, मतलब अगर पेशेंट को कोई गैस्ट्रोएंटेराइटिस टाइप चीज हुई है तो आप लूज मोशन को बताएं, वरना आप लूज मोशन को अपनी प्रेजेंटिंग अप्लेन में नहीं रखेंगे, क्योंकि वो एक साल से हो सकता है कि बच्चे का नॉर्मल पैटर्न ही ऐसा होता हो, या फिर माँ ने थोड़ा सा गलत, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं ना जो कि नॉर्मल को भी जरा लूज बना लेते हैं, थोड़ी सी ज्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं। तो अगर आपकी हिस्ट्री लूज मोशन इम्पोर्टेंस दे रही है उसको, ठीक है, जो आपकी आगे वाली हिस्ट्री है उसमें आपको लग रहा है कि लूज मोशन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, और पेशेंट को कोई सीलिक डिजीज है या फिर उस किस्म की, तो फिर तो आप रखेंगे वो आपकी प्रेजेंटिंग अप्लेन में आएगी। अगर वो नहीं है तो फिर आप उसको स्किप करेंगे, फिर आप उसकी अभी की कंप्लेन को, सपोज हो सकता है पेशेंट को दो दिन से जो कह रही है कि बहुत तेज बुखार है, हो सकता है उसकी पिछली कोई भी कंप्लेन के साथ वो एसोसिएटेड ना हो, और अचानक से पेशेंट को मेनिंजाइटिस डेवलप हो गया, बच्चों को हो सकता है मेनिंजाइटिस, हो सकता है उसको अचानक से नमोनिया हो गया, बुखार तो नमोनिया के साथ भी होता है, हो सकता है बच्चे को डेंगू हो गया, बुखार डेंगू के साथ भी होता है, और पुरानी कंप्लेन उसकी वैसे ही थी कि उसको पेट खराब थोड़ा बहुत रहता था या कोई अपसेट रहता, तो फिर तो आपकी कंप्लेन ही वो वाली बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है, वो आप फिर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में लिखेंगे पेशेंट की, ठीक है। तो इसलिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या कंप्लेन का ऑर्डर भी सोच समझ के बनाना होता है कि आपकी हिस्ट्री क्या सजेस्ट कर रही है, अभी की आपकी एग्जामिनेशन क्या सजेस्ट कर रही है, फिर आप प्रेजेंटिंग कंप्लेन उस हिसाब से बनाते हैं। सॉरी थोड़ा सा टाइम लग गया लेकिन इंपॉर्टेंट बात थी। अच्छा, हिस्ट्री प्रेजेंटिंग कंप्लेन वही बात है कि आपने सारी चीजों को बारी बारी इवेलुएट कर रहे हैं, डॉप्सा लगा लिया करें आसान होता है, ड्यूरेशन ऑनसेट प्रोग्रेशन सिवेरिटी एग्रीवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर्स, इसमें हर चीज आ जाती है। और फिर जाहिर है कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपने हर चीज के पूछने होते हैं कि अगर स्टूल है तो आप पूछ, लूज मोशन है तो उसे आपकी पूछेंगे फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी कंसिस्टेंसी, और ये सारी बातें आपको आती है, मैं दोबारा डिटेल में नहीं जा रही। इसके बाद आपने पीठ से पूछनी होती है सिस्टमिक इंक्वायरी, जैसे आप मेडिसिन में पूछते होते हैं, और सारे सिस्टम्स के आपके कुछ सवाल होते हैं, सीवीएससी एनएस रेस्पिरेटरी, वो जो आप पूछ लेते हैं। उसके बाद आपने एक चीज पूछी थी पास्ट हिस्ट्री, आप नॉर्मली यहाँ पर पास्ट मेडिकल पास्ट सर्जिकल अलग से नहीं लिखते, लिख देंगे तो भी फाइन, लेकिन आपने पास्ट हिस्ट्री जनरली पूछी थी। पास्ट हिस्ट्री होती है बच्चे की, माँ की पास्ट हिस्ट्री नहीं पूछनी, कि बच्चे को जब से पैदा हुआ है, अगर सपोज वो दो तीन साल का बच्चा है तो उससे पैदाइश के बाद से, मतलब अभी तक कोई इन्फेक्शन, कोई सर्जरी का कोई प्रोसीजर हुआ हो, मतलब मेडिकल सर्जिकली कोई ऐसी चीज है जो सिग्निफिकेंट है तो इसमें आ जाएगी। फिर जो आपकी एक्स्ट्रा हेडिंग्स होती हैं वो आती है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पीड्स, ठीक है, कि आपकी सबसे पहले यू हैव टू, जो आपका पीड्स की हिस्ट्री में, एक तो प्रेजेंटिंग और हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, ये तो हमेशा ही ध्यान में बहुत ज्यादा रखी जाती है। उसके बाद जो पीड्स की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझी जाती है और जो बहुत ज्यादा अच्छे से सुनी जाती है आपसे, वो ये चार है, बर्थ हिस्ट्री, फीडिंग, वैक्सीनेशन एंड डेवलपमेंटल। वो वजह ये है कि टीचर्स को पता होता है कि बाकी हिस्ट्री तो आपको लेनी आती है क्योंकि आप मेडिसिन से होके आए हैं, आपने पढ़ी हुई है, आप सर्जरी से होके आए हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि आप इन चीजों में मार खा जाते हैं, तो प्लीज डू पे अटेंशन ऑन दीज। और ये बहुत आसान है, मुश्किल है ही क्या, सब कुछ तो आपको पता है। बर्थ हिस्ट्री में हमारे पास तीन कॉम्पोनेंट्स होते हैं, एंटीनेटल यानी कि बिफोर डिलीवरी जो टाइम होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का जो टाइम है वो वाला, फिर नेटल हिस्ट्री, नेटल हिस्ट्री का मतलब है ड्यूरिंग डिलीवरी या ड्यूरिंग जो बर्थ टाइम है, मतलब जिस वक्त बर्थ होती है उस टाइम का क्या हिसाब है, एंड पोस्ट नेटल आफ्टर बर्थ, ठीक है, इमीजिएटली आफ्टर बर्थ, ये तीन आपके बर्थ में आते हैं। अच्छा, एंटीनेटल के आपने क्या सवाल करने है, अभी प्रेगनेंसी वाली बात है तो आपने इसे माँ के बारे में पूछना है कि पहली बात है कि आपकी प्रेगनेंसी प्लान थी या नहीं, ये जरूरी इसलिए क्योंकि बहुत सारी इलेजिटिमेट जो प्रेगनेंसीज होती है, अनप्लान होती है, उसमें आपके जहन में पहली बात ये आती है कि बच्चा मैल नरिश हो सकता है, बच्चे पे ध्यान नहीं दिया गया होगा, ठीक है, तो बार प्रेगनेंसी प्लान थी या नहीं, आपने चेक कराया किसी डॉक्टर को। बहुत ज्यादा हमारी सेटिंग में ऐसा होता है, गांव के लोगों से सेटिंग से लोग आते हैं जिनने कभी पूरी प्रेगनेंसी पे चेक नहीं कराया होता, उन्हें पता ही नहीं होता कि हॉस्पिटल डॉक्टर क्या होता है, और वो घर पे ही रही होती हैं, तो जाहिर है जब उन्हें कभी डॉक्टर की गई नहीं, कभी विजिट ही नहीं किया उसके साथ, उन्हें कोई डेफिनेटली अगर डॉक्टर की नहीं की तो दवाई भी नहीं खाई होगी, लेकिन आपने अलग से पूछना है तो यू हैव टू आस्क अबाउट मेडिसिन। जो स्पेसिफिक मेडिसिन आपने पूछनी है वो फॉलिक एसिड एंड आयरन है, ठीक है, आप उसे पूछेंगे कोई दवाई ली सारे आप इस दौरानिया में, वो कहेगी कि ली थी, तो फिर आप पूछेंगे फॉलिक एसिड या आयरन की गोलियां थी, ठीक है, और नॉर्मली उनको पता होता है अगर उसने दवाई ली ही नहीं है कोई तो फिर पूछने का फायदा नहीं है, ठीक है। कई बार ऐसी होती है वो कहती है कि सिर्फ हमने सीने में जलन का एक सिरप लेते थे, तो आपने पूछने सिरप की कैसी शक्ल थी या क्या कोई आपको अंदाजा है नाम वाम, क्योंकि नॉर्मली वो ये जो पीपीआई प्रोटोन फॉर्म इनहिबिटर्स होते हैं ना वो ले रही होती हैं और कोई मेडिसिन नहीं ले रही होती, तो आपने जो मेंशन करने है हिस्ट्री में जब प्रेजेंट करते हैं कि द पेशेंट इन एंटीनेटल हिस्ट्री द पेशेंट डिडंट टेक फॉलिक एसिड और आयरन और एनी अदर सप्लीमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, तो आपने इन दो का नाम मेंशन करना है, फॉलिक एसिड एंड आयरन। अच्छा, उसके बाद आपने पूछना है कि जनरल हेल्थ कैसी थी, क्या प्रेगनेंसी के दौरान वो कभी बीमार हुई है कोई बीमारी, मतलब कई बार इन्फेक्शन हो जाते हैं, गला खराब, सिंपल थे, मुश्किल तरीन बीमारी का पूछना, पेट खराब, गला खराब, पांव में सूजन,
तो आपने बता देना था कि फीमेल रिमेन हेल्दी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है, ये लाइन आपने अपनी उसमें डाल लेनी होती है, और अगर कोई मसला हुआ तो फिर आप उसके बारे में इंक्वायरी करते हैं। फिर आपने पूछना है कि उसको वैसे कोई सिस्टेमिक डिजीजेज हैं, फॉर एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, अगर नहीं भी थी तो प्रेगनेंसी के दौरान हुई तो नहीं, क्योंकि गेस्टेशन डायबिटीज एंड एक्लेम्शिया बहुत जरूरी चीजें हैं जो पूछनी होती है। तो आपने पूछना है कि आपको शुगर या ब्लड प्रेशर का मसला पहले से तो नहीं था, प्रेगनेंसी के दौरान तो नहीं हो गया, कि आपको ऐसा तो नहीं था कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत ज्यादा चक्कर आते हो और आपको बेहोशी हुई हो या फिर आप कभी गिर गई हो, क्योंकि वो प्री एक्लेम्शिया के साइंस होते हैं। तो आपने ये चीजें पूछनी होती है, ठीक है, प्री एक्लेम्शिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और कोई और डिजीज जो कि उसे पहले से चल रही है, वो आप पूछ लेते हैं कि कोई क्या गुर्दे का, जिगर का, या फिर आपको काला पीला ईयर कान, दमा, किसी किस्म की बीमारी पहले से है आपको, जो क्रॉनिक डिजीजेज है उनका पूछ लेंगे, ठीक है, जो कि उसको हो सकती है। एंड देन आपने जो आखिरी चीज पूछनी है, आपने अगर कुछ भी नहीं है इसमें तो आपने बताना होता है हिस्ट्री में कि पेशेंट डिडेंट हैव एनी डायबिटीज, मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, एक्लेम्शिया और एनी अदर सिस्टेमिक मेटाबॉलिक डिजीज प्रीवियसली, ठीक है, ये बता दिया। फिर आपने पूछना होता है कि आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर उसने कभी हॉस्पिटल विजिट किया है तो उसने क्या कभी अल्ट्रासाउंड कराया है, अल्ट्रासाउंड का फीमेल का अक्सर पता ही होता है, अगर उसने कभी विजिट ही नहीं किया तो जाहिर उसने नहीं कराया होगा। और फिर आपने पूछना है कि कोई ऐसा मसला तो नहीं आपको हुआ दौरान इसके, जिसमें आपको एक्सरे कराना पड़ा हो या कोई और आपको टेस्ट कराने पड़े हो अपने, तो हो सकता है वो बताए कि उसको फलानी चीज के लिए सीटी स्कैन कराना पड़ता या वो गिर गई थी, अब वो बीमारी में तो नहीं आपको बताएगी ना वो गिरी थी, वो अक्सर मिस कर देते हैं कि मैं यहां से गिर गई थी, मेरा बाजू में बहुत दर्द था तो मुझे एक्सरे बाजू का कराना पड़ा, तो रेडिएशन एक्सपोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपने पूछना है कि एक्सरे, सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड तो नहीं हुआ, एंड देन आप बताएंगे कि पेशेंट डिडंट हैव एनी एक्सरेज ड्यूरिंग और एनी रेडिएशन एक्सपोजर और एनी ड्रग एक्सपोजर, यहीं पर आपका ड्रग एक्सपोजर भी आ जाता है कि कोई बीमारी होगी तो उसकी उसने दवाई ली होगी, ठीक है, तो ड्रग एक्सपोजर भी जरूरी है, कौन सी दवाई ली थी, सिंपल गले खराब वगैरह की तो चलो वो भी जरूरी है, इसलिए कई लोग डॉक्टर्स जो है वो नहीं, जिनको पता होता क्वैक्स होते हैं जो, वो गले खराब या सिंपल इन्फेक्शन के लिए भी अगर ऐसी दवाइयां दे दे जैसे आपको पता है क्विनोलोन्स होगी या टेट्रासाइक्लिन्स होगी जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, तो वो फिर खराबी शदीद किस्म की कर सकती है, फिर आप एंटिसिपेट करते हैं कि ये बच्चा, ये मसला बच्चे को होगा, ठीक है। तो आपने ड्रग हिस्ट्री को भी मेंशन करना है कि देर वॉज नो ड्रग हिस्ट्री ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड देर वॉज नो एक्सपोजर टू रेडिएशन एंड अल्ट्रासाउंड स्कैन डन और नॉर्मल रूटीन चेकअप्स या अल्ट्रासाउंड स्कैन नेवर डन बिकॉज ऑफ नॉट गोइंग टू द हॉस्पिटल और कोई जो भी अच्छा सा जुमला बना के। अच्छा, उसके बाद आपने यहीं पर साथ पूछना होता है, ये सवाल जल्दी जल्दी पूछ ले जाते हैं, कोई इसमें देर नहीं लगती, ठीक है, और एक एक लाइन में बताना होता है आपने। फिर आपने यहीं पर थोड़ा सा पूछना होता है कि इससे पहले आपके कितने बच्चे हैं, क्या नॉर्मल हुए थे या नहीं हुए थे, और उसमें कोई इस बच्चों के अलावा कभी आपकी कोई अबॉर्शन या मिसकैरेज जो कोई बच्चा ऐसा तो नहीं पैदा हुआ जो कि पहले से ही जिंदा ना हो, स्टिल बर्थ्स का पूछते हैं, अबॉर्शन का, मिसकैरेजेस का और प्रीवियस आपके जो चिल्ड्रन है और उनकी क्या सब कुछ नॉर्मल था या किसी की एबनॉर्मेलिटी होगी तो आपने यहाँ पर बतानी है, ठीक है। ये हो जाती है एंटीनेटल, नेटल हिस्ट्री में आपने सब कुछ बताना था डिलीवरी के बारे में, ठीक है, बहुत आसान होता है ये भी, इसमें आप पूछ लेंगे कि सबसे पहले कितने हफ्ते पे आपको डिलीवरी हुई है बच्चे की, मतलब 28 हफ्ते पता ही होता है उनको, कितने महीने में पूछ लें, हफ्तों का नहीं पता तो 8 महीने का था, 9 महीने का था बच्चा, ठीक है, वो आपने पूछ लेना है कि हाउ मच वीक्स है या हाउ मच मंथ्स है। उसके बाद आइदर पेन स्टार्टेड, आपकी जो लेबर थी वो पेन से हुई है या फिर आपको जाहिर दर्दों का पूछेंगे, दर्दें कब लगी थी आपको, कि रात से लगी थी, कितनी देर लगी रही थी दर्दें, ही वो लफ्ज इस्तेमाल करते थे कि वो आपको बताएगी कितने घंटे, तो बहुत देर मतलब नॉर्मली तो 30 मिनट्स का। अच्छा, फिर आप पूछेंगे दर्दें तो चलो लगी रहती हैं, फिर आप पूछते हैं कि कितनी देर में बच्चा पैदा हुआ, मतलब कितनी देर लगी, 30 मिनट्स ये नॉर्मल सा टाइम होता है। अगर प्रेसिपिटेटेड लेबर होता है, डिलेड लेबर होता है, तो उसमें फिर बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि प्रॉब्लम्स कर सकती हैं, एस्फिक्सिया हो सकता है बच्चे को और बहुत सारे मसले हो सकते हैं, तो इस वजह से आपने पूछना होता है कि दर्दें कब लगी, कितनी देर लगी रही और उसके बाद डिलीवरी होने में कितना टाइम लगा, ठीक है, डिलीवरी कहाँ पे हुई, घर पे हुई कि हॉस्पिटल में, जहां भी हुई किसके हाथों हुई, कोई ट्रेन डॉक्टर थी, मिडवाइफ थी यानी दाई थी या फिर कोई भी नहीं था, घर के बंदे थे, ठीक है, तो ये तीन बातें होगी। उसके बाद आपने कॉर्ड का जो काटी थी, प्लेसेंटा था, कॉर्ड काटी थी वो किसने काटी थी और क्या उसके लिए क्या चीज इस्तेमाल की गई थी, ठीक है, क्योंकि कॉर्ड एब्नॉर्मेलिटीज और जो कॉर्ड कटिंग के हाइजेनिक मेजर वो इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बाद आपकी ये नॉर्मल था या सी सेक्शन था और क्या उसके बाद एपिजियोटमी का पूछते हैं, एपिजियोटमी अगर एसवीडी होगी, स्पॉन्टेनियस वजाइनल डिलीवरी होती है फीमेल की, तो फिर उसके बाद अगर उसका जो वजाइनल जो आपका आउटलेट है वो डैमेज हो जाता है तो उसको स्टिच किया जाता है हॉस्पिटल सेटिंग में, उसको एपिजियोटमी कहते हैं। तो आप पूछते हैं अगर फीमेल की एसवीडी की हिस्ट्री होगी तो आप पूछेंगे एपिजियोटमी हुई या नहीं हुई, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स यू विल आस्क अबाउट के ड्यूरिंग दैट मजीद की कॉम्प्लिकेशन या कोई मसला जो आप बताना चाहिए, अगर एसवीडी था तो वो हॉस्पिटल में था, फॉरसेप्स या वैक्यूम की जरूरत तो नहीं पड़ी, कितनी देर लगी, ये सब सवाल आपने पूछने हैं, ठीक है, और अगर सब ठीक होगा तो आप कहेंगे कि द फीमेल डिलीवर्ड एट द जो बेबी एट 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी
with labor pains which started for one day before and remained for almost 12 hours and their labor remained for 30 minutes, no precipitation. It was delivered by spontaneous vaginal delivery with no forceps and vacuum and there was no specific complications during that time. ठीक है, ये सारी बातें आपकी नेटल की होंगी. पोस्ट नेटल में आपसे पूछना होता है कि बच्चा फॉरन रोया था, क्या उसको रिससिटेशन की जरूरत पड़ी थी, यानी क्या उसको बच्चा फॉरन रोया था और सही तरह से रोया था, नीला तो नहीं पड़ गया था, क्या उसको कोई ऑक्सीजन लगाने की या फौरी तौर पे अस्पताल लेके जाने की जरूरत तो नहीं पड़ी. अगर घर में है और अस्पताल में है तो क्या उसको फौरी तौर पे उन्होंने ऑक्सीजन तो नहीं लगाया था या कोई दवाई तो नहीं दी थी. ठीक है, ये बातें उस वक्त फॉरन क्योंकि फिर उसके बाद जो हफ्ते बाद बच्चे को जॉन्डिस होता है वो कितने अरसा रहा. ये कान का लाजमी पूछना कि प्रोलॉन्ग जॉन्डिस के लिए आप फिर सोचते हैं कि कर्निक टेरिस हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है. ये जब हो जाएगा तो ये आपकी बर्थ होगी. फीडिंग हिस्ट्री में यू हैव टू आस्क अबाउट कि आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट हुई, घंटे बाद, दो घंटे बाद, चार घंटे बाद कब शुरू की, या फिर बॉटल फीड से शुरू किया. एनजी ट्यूब तो नहीं पास करी, बट नॉर्मली यही आप कहते होते कि द फीमेल स्टार्टेड सॉरी द पेशेंट या फिर द मदर स्टार्टेड ब्रेस्ट फीडिंग हर चाइल्ड 1 आवर आफ्टर द डिलीवरी एंड इट रिमेन फॉर 2 ईयर्स. ठीक है, नॉर्मली 2 साल तक फीडिंग रहती है. शी रिमेन ऑन ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 2 ईयर्स एंड आफ्टर दैट इट स्टार्टेड अप विद द काउज मिल्क. नॉर्मली गांव के लोग होते हैं वो ज्यादा कहते हैं गाय का दूध शुरू कर दिया. ठीक है, काउज मिल्क या फिर बॉटल फीड विद फॉलोइंग फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला फिर आप बताएंगे. वीनिंग स्टार्टेड एट 6 मंथ्स ऑफ एज. वीनिंग जरूर बतानी है कब शुरू की, यानी खिलाना पिलाना कब शुरू किया. 6 मंथ्स पे अगर शुरू किए एंड इट वॉज स्टार्टेड विद बॉइल्ड राइस या फिर सिरिलैक या फिर जो भी खिचड़ी थी, जो भी आप वहां पर बताएंगे कि मेंशन करें किस चीज से वीनिंग हुई, नॉर्मली क्या डाइट में दिया जाता था, ये फीडिंग में आ जाता है. फिर वैक्सीनेशन हिस्ट्री में आप बताएंगे कि वैक्सीनेटेड अकॉर्डिंग टू ईपीआई शेड्यूल विद रिकॉर्ड अवेलेबल और नॉट अवेलेबल, बीसीजी कार्ड प्रेजेंट, लास्ट वैक्सीनेशन वॉज डन ऑलमोस्ट 2 मंथ्स बैक एंड इट वॉज ऑफ दिस इंजेक्शन या दिस डिजीज. ठीक है, रिकॉर्ड नॉट अवेलेबल होगा तो भी बताने के रिकॉर्ड नॉट अवेलेबल एंड बीसीजी कार प्रेजेंट, ये दो चीजें तो जरूर बतानी है कि ईपीआई शेड्यूल के अकॉर्डिंग वैक्सीनेशन हुई है एंड रिकॉर्ड अवेलेबल और नॉट. ठीक है, एंड बीसीजी कार का बड़े वाले मेंटल हिस्ट्री में आपने 2-3 माइलस्टोन्स अपने जहन में रखे. वो पेशेंट से पूछते हैं कि बच्चे ने गर्दन संभालना किस उम्र में शुरू की थी. 3 महीने के बच्चे जो है वो गर्दन संभालना शुरू कर देते हैं. बच्चे ने चलना किस उम्र में शुरू किया था, तकरीबन आप समझ लें 1.5 साल के बच्चे चलना शुरू कर देते हैं. 1.5 साल से भी कम में कुछ चल लेते हैं, लेकिन 1.5 साल के तो हर सूरत चलने लग जाते हैं. ठीक है, अगर उसे बड़ा बच्चा होगा तो आप पूछेंगे कि बच्चे ने चलना कब शुरू किया है और बच्चे ने ये दो तकरीबन आपको अंदाजा हो जाते हैं. और वो वैसे माएं बता देती है कि हाँ जी बिल्कुल ठीक ठीक हुआ था, बोलना कब शुरू किया या फिर आवाजें कब निकालना शुरू की, डिपेंड करता है बच्चे की एज कैसी, आप कितने सवाल कर सकते हैं. लेकिन अपने जहन में 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 1.5 साल के बच्चों के लिए एक एक चीज आप याद रखेंगे जो सवाल आप कर सके उनसे. ठीक है, और वैसे भी देखने में पता चल जाता है बच्चे को कि आइदर ये डेवलपमेंटली नॉर्मल लग रहा है या नहीं लग रहा. उसके बाद अगर बड़ा बच्चा है तो आप स्कूलिंग का जरूर पूछेंगे कि स्कूल कब जाना शुरू किया और परफॉर्मेंस कैसी है. ठीक है, ये हो जाता है. एंड देन ये स्पेसिफिक हिस्ट्री के बाद जो नॉर्मल आप उसकी फैमिली पर्सनल हिस्ट्री में एलर्जीज का पूछ लेंगे एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फैमिली यानी फादर एंड मदर. दैट्स इट. कोई मसला हो किसी को मैं आपको एक पैटर्न फिर से बताऊंगी इंशाल्लाह, जिसमें आई टेल यू अबाउट कि आप किस तरह से प्रेजेंट करते हैं. अभी मैंने काफी हद तक बता दिया लेकिन फिर भी उसमें ज्यादा अच्छा बता दूंगी. कोई मसला के नाम. थैंक यू.